देवास के हाट पिपलिया में कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने को लेकर हाट पिपलिया के देवास रोड पर बालिका छात्रावास को कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जिसको लेकर विधायक मनोज चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर के साथ बनने वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक मनोज चौधरी ने बताया कि कोविड पेशेंट को पहले देवास व इंदौर रेफर किया जाता था, पेशेंट का इलाज अब हाट पिपलिया में हो सके इसके लिए शीघ्र ही कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका आज निरीक्षण किया गया। भैया आज निरीक्षण किया, किस संबंध में क्या है? ये कोविड की जो भयावह स्थिति पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में हो रही है, हम कैसे जनता के स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए, इस वजह से क्वारंटाइन सेंटर जो कोविड 19 के लिए हाट पिपलिया में हमारा सेंटर नहीं था। यहाँ पर जो भी कोई अगर पेशेंट आता तो उसको या तो देवास या इंदौर रेफर कर दिया जाता था। अब आने वाले समय में हमें उनको रेफर ना करना पड़े, उनका इलाज हम यथासंभव जितना अच्छे से हो सके हाट पिपलिया में ही कर दें, इस व्यवस्था के लिए हमने सभी अधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, डॉक्टर्सगण, पूरी टीम ने यहाँ का निरीक्षण किया है और यहाँ पर कोविड सेंटर शीघ्र चालू किया जाए, ये हमारी मंशा है और उसमें अच्छे से अच्छी सुविधाएं भी पेशेंट्स को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम सब मिलकर यहाँ पर इसका निरीक्षण किया है।